गुनाह के अंधेरे में दिल दहला देने वाली वारदात, कत्ल, लूट, अपहरण के सनसनीखेज अपराध, दहशत और डर की खूनी दास्तां, कातिल का पर्दाफाश होगा। कितना भी शातिर हो अपराधी। नमस्कार, जीके न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। दबंग नहीं बनाने दे रहे विधवा महिला को आवाज। जी आपको बता दें, खबर जनपद लखीमपुर खीरी से है। थाना फूल बेहड़ की ग्राम पंचायत पिपरागुम का मजरा बक्सी कपूरवा की महिला अपनी पुस्तैनी जमीन पर आवास बनवाने के लिए दर दर भटक रही है। विधवा महिला की जमीन पर दबंग कर रहे हैं कब्जा, प्रशासन मौन है। विधवा महिला ने बताया, हमारी पुस्तैनी जगह है और हमारे पूर्वज इसी जगह पर रहते थे। 30 साल पहले विधवा की शादी इसी घर में हुई थी, तब से विधवा यही रह रही है। और उसने बताया, जब से हम यहाँ आए हैं तब से यहीं पर रह रहे हैं। विधवा के एक लड़का है, वह बाहर का काम करके पेट चला रहा है। विधवा ने बताया, जब से मेरा आवास आया है तब से दबंग चंद्र प्रकाश, आशीष, उसकी मम्मी और उसके मामा सहित पूरे परिवार के साथ गाली गलौज कर के जबरदस्ती मेरे घर में आकर रात को धमकियां देते हैं, मार देंगे, घर जला देंगे और बुरी नज़र से देखते भी हैं। उसकी तहरीर मैंने फूलबेहड़ थाने में दी, कई बार यहां से सुनवाई नहीं हुई तो जिला अधिकारी के पास गई, पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी के वहां गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दबंग चंद्र प्रकाश शराब पी करके रात को मेरे घर में आकर मेरे साथ मारपीट गाली गलौज करते हैं। देखिए लखीमपुर खीरी से जिला क्राइम ब्यूरो चीफ प्रेम बहादुर यादव की ये स्पेशल रिपोर्ट। कहाँ के निवासी हो? बक्सीपुर। का मामला है, का है या आवास वगैरह नहीं बनते? यो है कि साहब बनवावे नहीं देते आवास, घर में घुस के आवत ही घर बनवा रहते हैं। कौन नहीं बनवावे देते? आशीष चंद्र प्रकाश। ये कौन है, कहाँ के रहे? ये हमारे पड़ोसी। अच्छा, तो बनवावे काहे नहीं देते, का कारण है? वही कहते हैं कि हमारे कब्जा करते छीनते हैं, कब्जा करते। अच्छा, तो आप क्या बता रहे हो कि जमीन कहीं की है, कहाँ है, पूरी बात बताओ। जमीन हमारी है, हमारी जमीन मस्तरी है, हमारी पुरखा मर गए हैं पर। पुस्तैनी जमीन है? हाँ। अच्छा, और वो लोग फिर उस पर जो है कब्जा उब्जा करना चाह रहे क्या? हाँ, पर हमारा छीनना चाहते। अच्छा, इसकी लिखित शिकायत आपने कहीं की है? कौन एप्लीकेशन वगैरह दिए हो? हाँ, सब कम दिए हैं, लेकिन का गए हमारा सुनवाते नहीं भाई, फूलों बहन सुनवाते नहीं भाई। थाना और वहाँ लखीमपुर भी गई? हाँ, हमारे साहब सुनवाते नहीं भाई। क्या बताते हैं जब वहाँ पे आप लोग जाते हैं? यहाँ कहते हैं कि बनवा देंगे, कोई यहाँ जांच फांच कोई नहीं आता। अच्छा, रहने के लिए इस झोपड़ी के अलावा आपके पास कोई जगह नहीं है? चुनाई है साहब हमारे पास। अच्छा, बाकी परिवार आपका? परिवार खाली अकेले, हमारा लड़का है तो प्रदेश में पड़ा। अच्छा, और पति आपके? पति हमारे खत्म हो गए। अच्छा, चाचा क्या नाम है? हमारा नाम है श्रीपाल। ये जो जमीन वाला जगह वाला विवाद है, ये क्या है, किसकी जगह है? यह जगह जराखंड के लिए जी। अब इनके राधे साहब जुगाड़ी, इनके भाई जो हैं वो गवाही देकर बैनामा कराई, कैसे कराएंगे ये हमको नहीं पता। अच्छा, इस तो इनकी तो जगह पुस्तैनी है ये जिसपे मकान बनवा रहे हैं? हाँ, जगह तो है, वहाँ घर का बना रहा है। अच्छा, पुस्तैनी जगह है? हाँ, पुस्तैनी जगह तो है। और जगह किसने बेची है, क्या इनके भाई ने बेची? इनके भाई ने नहीं, इनके भाई गवाही में है। गवाही में है, भाई ने बैनामा कराया है उसका। उसका बैनामा करवाया है? हाँ, उस जगह का नहीं, दूसरी जगह है, उस जगह जो उधर पड़ोस की जगह जिसका बैनामा उनका है। अच्छा, पड़ोस वाली जगह, पड़ोस जगह बैनामा कराया उसने, गवाही। उससे कोई मतलब नहीं, इनकी जगह से मतलब है? इनकी जगह कोई मतलब है नहीं। बाबा का नाम है? जराखंड। कहाँ के रहने वाले हो? बक्सीपुर। का हुआ है? जो लफड़ा मचाया है खाली। जा, तुम्हारी जमीन का पुस्तैनी है? पुस्तैनी जमीन है भैया, बाबा पर बाबा बाप महतारी सब यह पर मर गए। अच्छा, अब भाई का कहते? वही कहते हैं। हाँ, उनकी बारी वैसी है। हाँ, तो वही कहते हैं कि हमारी यह जगह हमारी है। अच्छा, तो को थाने उन्हें में शिकायत करे हो? थाने में यहाँ कई दाव जावा गवा कब हो? दरोगा आए। हाँ, फिर
का वो मुकदमा की। हाँ दरोगा फिर मुकदमा नहीं, वो दरोगा आए देख गए। हाँ निकल वही का कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा तो रहा और कोई जगह नहीं है? और भैया का जगह तो वहाँ है। ठीक कहाँ निवासी है? बक्सीपुर। ये जो इनका चाचा जमीन वाला जगह वाला लफड़ा है का है का इनकी कुछ पहली जगह है या जो खरीदी है? हम तो जब तक जाने वाले भी हैं। हाँ तब ते तो हम वह तीर देखे दिन का। अच्छा वो जो विवाद जो लोग कर रहे हैं इनसे, इनका आवास बने नहीं दे रहे हैं, तो वो काहे के लिए कर रहे हैं? यह उनके मन की बात। अच्छा जगह उनकी नहीं है? जगह हुआ तो उनकी जगह आप इनकी उनकी देखने वार है जगह। अच्छा जगह फिर वह कह की है वह जय पर विवाद है वह उन्होंने कही जराखन जराखन के लिए। नाम है आपका? रणवीर सिंह यादव। कहाँ के निवासी हैं? यहीं बक्सीपुर आगे। ये जो जमीन वाला विवाद है ये जगह किसकी है? ये जगह क्या मान लो हमारा जन्म तो बहुत ही बाद में हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पापा पापा भी बताते हैं और जो गांव के व्यक्तिगत जहां पर बुलाया गया और सब लोगों के सामने रखा गया फैसला, उस फैसले में भी ये जराखंड बाबा की ही जगह थी। अच्छा। हमारी उम्र तो बहुत कम है, उससे पहले उसी घर के लोग सब जन्मे हैं इनके लड़के जराखंड बाबा के। अच्छा अच्छा। लेकिन जब ये मामला बनने का आया तब वो विवाद डाल दिए। अच्छा अच्छा इनके पास और कोई जगह भी नहीं रहने के लिए? कहीं पर नहीं, वही जगह इनकी पुरानी। अच्छा। उसी पर तीनों आवास अलाट है और ये लोग बनने नहीं दे रहे? हाँ बनने नहीं। कौन नहीं बनने दे रहा है? इनका क्या नाम है? चंद्र प्रकाश है, आशीष है और उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका उसके मामा की राम हरीश। वो कहाँ के निवासी है? वो रहने वाले हैं श्यामल सिंह। अच्छा हाँ श्यामल सिंह। अच्छा अच्छा तो